हमारे देश के फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, ये बस एक गुत्थी का सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि वो गुमनामी बाबा के नाम से रहने लगे थे। इन्हीं बातों का खुलासा आज की इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में चक्का द रोड ऑफ बोन्स इस पे दर्शाया जाएगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जयदीप मुखर्जी जी सर हैं, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। हम उनसे बात करेंगे और क्या कुछ है इस किताब के बारे में जानेंगे। चक्का द रोड ऑफ बोन्स, चक्का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चक्का? द चक्का इज द रशियन वर्ड। द चक्का मींस द जिसका खुफाई एजेंसी है रशिया का, उस टाइम सोवियत का थे, उसका खुफाई एजेंसी KGB का जो टॉर्चर पॉलिसी थे वो है चक्का। और रोड ऑफ बोन्स मीन्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद जो साइबेरिया में जो वॉर प्रिजनर्स थे जिसका हाल बहुत बुरा हुआ था, जो उन्होंने जिसका मौत हो गया था, तो उनको सबको मौत का बाद उधर एक टेम्पल का एक रिवर का पास उन्होंने सब बैरिट कर दिया था, कबर दे दिया था। और ये जो कबर देने के लिए उसको कबर देने के बाद उधर ऊपर से एक रास्ता हुआ, ये रास्ता का नाम है रोड ऑफ बोन्स। इवन सर्च इट इन गूगल्स ऑल्सो, गूगल्स में आप मिल जाएगा रोड ऑफ बोन्स इज द रेन रिवर का पास हुआ। तो मेरा जो हंच है, ये हंच है सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि 1945 अगस्त का बाद सुभाष चंद्र बोस रशिया में शेल्टर लिया था। और रशिया में शेल्टर लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस का जो टॉर्चर फेस करने हुआ वो KGB का तरफ से हुआ। और KGB का तरफ से टॉर्चर फेस करने के बाद सुभाष चंद्र बोस को ऐसा ही हाल हुआ, ऐसा ही मौत हुआ था। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास से जितना फाइल है उसको फाइल फोकस करना चाहिए, और रशिया का पास जितना फाइल है तो फोकस करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो है, जो सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास 41 फाइल अभी तक क्लासिफाइड है, इसको डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास से एक मेरा विनती रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनका डेथ का ऊपर तीन आयोग का गठन हुआ, तीन आयोग का रिपोर्ट भी गवर्नमेंट का पास है। इसका फाइंडिंग्स का ऊपर हम लोग एक ही बात बोल सकते थे, 1945 में उनका प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुआ, और उसका जितना अभी उम्र है उन्होंने डेथ हो गया। और लेकिन उनका 1945 में पर उन कहाँ चला गया, इसको थोड़ा सा बाहर करने के लिए रशिया का फाइल का ऊपर जोर देना चाहिए। कितने साल का समय लगा आप इसको रिसर्च करने? किताब को टोटल लिखने के लिए मेरा 19 इयर्स से 20 साल लगा, क्योंकि मेरी माई ग्रैंडफादर वाज ए वेरी एसोसिएट मेंबर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और मैं जब मैं रिसर्च फील्ड में आया था 2003-2004 के आसपास, इसके बाद मैं ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना राष्ट्रों में आज़ादी फौज ने काम किया, जैसा मॉस्को, जर्मन, सिंगापुर, वियतनाम, मैंने विजिट किया। और डॉक्यूमेंट्स, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी में जाके सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया। आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके मैं ये फाइंडिंग्स को थोड़ा सा बाहर लेके आया। और ये बाहर होने के बाद मैं एक ही मेरा वार्ता है, सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति रशिया में हुआ और रशिया में ही उनका डेथ हुआ, इसको थोड़ा अभी सत्य ट्रू शुड बी रिफील्ड। आखिर क्या वजह रही होगी कि सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ 1945 में ही घोषित कर दिया गया था, क्या वजह? नहीं, उस टाइम तो प्लेन क्रैश का जो थ्योरी है वो तो सुभाष चंद्र बोस खुद ने किया, क्योंकि ब्रिटिश को आई वॉश करने के लिए, क्योंकि उनका मेन टारगेट थी रशिया में शेल्टर लेने के लिए, तो उसको जाके सुभाष चंद्र बोस खुद ही उन्होंने तो करा। लेकिन प्लेन क्रैश तो नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन क्रैश इससे टोटल ड्रामा, एंड ऑल्सो द ड्रामा मेड बाई सुभाष चंद्र बोस एंड दी ब्रिटिश को आई वॉश करने के लिए, इसलिए ब्रिटिश कभी विश्वास नहीं किया प्लेन क्रैश में सुभाष बोस का डेथ हुआ। सुभाष बोस वॉज रशिया में है, ये ब्रिटिश का पास इन्फॉर्मेशन थी। ये इस बुक की प्रेरणा आपने कब से, मतलब शुरू की, कब से लिखने का? सत्यनारायण सिन्हा आप रांची का MP थे, और 1951 में 1952 में MP होने के बाद सबसे पहले वो नेहरू को चैलेंज किया था जो सुभाष चंद्र बोस इज इन द रशिया, तो रशिया में उनको इमिडिएटली उनका
बाहर करने के लिए आपने कोशिश कीजिए। लेकिन नेहरू उनका बात नहीं सुना। उन्होंने एक किताब लिखा था नेताजी मिस्त्री नाम करके, नेहरू किताब को बैन कर दिया और सुभाष बोस का ऊपर नज़रदारी करने के लिए, और नेहरू ने आईबी को अपॉइंटमेंट किया था उनका फैमिली का ऊपर, तो वो फाइल से बाहर आया और सत्यनारायण सिन्हा को जेल में भेज दिया था। नेहरू को मौत का बाद सत्यनारायण सिन्हा फिर भी रिपोर्टिंग किया जो बोस वॉज इन रशिया। सत्यनारायण सिन्हा इज़ द फर्स्ट मैन हु रेज द वॉइस, भाई झारखंड से ही सत्यनारायण सिन्हा का सब कुछ है, तो सत्यनारायण सिन्हा को याद करना चाहिए आज, क्योंकि उन्होंने जो 51 में बोल दिया था आज मैं 2024 में, तो वो हम लोग आज बोल रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश एक ही देंगे, जो नेताजी का आदर्श में आइडियोलॉजी मान के चलिए, देश को बहुत कष्ट में आज़ादी मिला, देश का सॉवरेनिटी को रक्षा कीजिए, और कम्युनिस्ट और माओइस्ट का खिलाफ में पब्लिक अवेयरनेस कीजिए, क्योंकि कम्युनिस्ट और माओइस्ट लोग झूठा बात बोल के देश का सॉवरेनिटी को खतरा में ले कोशिश करता है। तो सुभाष बोस का नेतृत्व में आप चलिए और देश को नेशनलिस्ट होके देश को रक्षा कीजिए। जिस तरह आपने देखा कि हमारे साथ मुखर्जी जी जुड़े हुए थे और उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी अपने बुक चक्का द रोड ऑफ बोन्स के बारे में बताई। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बुक में क्या कुछ लिखा है, ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। और युवाओं से मेरी अपील है कि अपने फ्रीडम फाइटर के बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़े और जानकारी हमेशा रखें। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं लाइव लगातार से जयंती। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।